बेसिक थर्ड ईयर। आज हम मिनरल्स के बारे में बात करेंगे कि मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है। आप सब लोग जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, अपने आप से अपना भोजन ले सकते हैं, बना सकते हैं। बना सकने का मतलब क्या है कि मिट्टी से मिनरल्स लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हवा से पानी लेते हैं और उनसे कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण कर सकते हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से आता है, बाकी मिनरल्स पानी के साथ में रूट से एब्जॉर्ब करके आता है। अब मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है? अगर हम पौधे जो पानी के साथ में मिनरल्स का अवशोषण करते हैं, उनका अवशोषण कैसे होता है, वो पौधे उसको कैसे अपने अंदर आत्मसात करते हैं और उनका इम्पॉर्टेंस क्या है कि प्लांट में उस पर्टिकुलर मिनरल की, सॉल्ट की क्या ज़रूरत है, अगर वो नहीं होता है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो स्टडी जो है वो मिनरल न्यूट्रिशन कहलाती है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड द सिग्निफिकेंस फॉर द प्लांट इज कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिशन स्टडीज। ठीक है, सोर्स मिनरल्स का क्या है? जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो मिनरल्स का सोर्स होती है। वो परत भी कहाँ से आती? जो रॉक्स होती हैं उनका धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है और धीरे धीरे फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो सॉइल बनाते हैं। ठीक है, वुडवर्ड ने 1899 में कहा था कि सॉइल सॉल्यूशन जो है वो रेन वाटर के कंपैरिजन में प्लांट्स के लिए बेटर न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है, क्योंकि रेन वाटर जो होता है, बारिश का जो पानी होता है, उसके अंदर कोई भी वो नहीं मिलते हैं, सॉल्ट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, जबकि जो सॉइल सॉल्यूशन होता है, यानी जो सॉइल में जो पानी होता है, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को ज़रूरत होती है, इसीलिए रेन वाटर में प्लांट्स इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में डी सॉसर ने भी अपनी किताब लिखी थी, उन्होंने भी बताया कि जो पौधों को अगर आप बिल्कुल जला दीजिए तो उससे जो राख बचती है उसमें वो जो है वो कहाँ से आती है, वो राख का जो कंटेंट होता है वो मिट्टी से प्राप्त होता है। ठीक है, अब मिनरल न्यूट्रिशन जो होता है उसके अलग अलग मेथड्स हैं कि कौन कौन से मिनरल्स ज़रूरत होती है, उनका क्या काम होता है, उसके लिए अलग मेथड्स हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक में जो पादप भस्म विश्लेषण उसको हिंदी में बोलते हैं, या एनालिसिस ऑफ प्लांट ऐश, और दूसरा होता है ग्रोइंग कल्चर मेथड, मतलब प्लांट्स को ग्रो करके हम देखते हैं उस तरह से। तो पहले हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ प्लांट ऐश के बारे में, या पादप भस्म विश्लेषण के बारे में। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी पौधा ले लेते हैं, उसको हम अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लेते हैं ताकि कोई भी मिट्टी वगैरह उसके साथ में कोई अटैचमेंट नहीं हो। अच्छे से धोने के बाद में उसको ब्लॉटिंग पेपर में सुखा लेते हैं और फिर उसका वेट लेते हैं। वो क्या होता है, फ्रेश वेट है, जिसमें कि पानी भी है, वाटर, और प्लस जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्लस इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल प्लस पानी जो प्लांट में होता है, वो उसका टोटल वेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेश वेट। ठीक है, फिर इसको हम 100 से 110 डिग्री पर प्लांट को रखते हैं अवन के अंदर। अब क्या होगा, क्योंकि 100 डिग्री पर पानी जो है वो निकल जाएगा प्लांट में से, तो प्लांट जो है वो सूख जाएगा। तो अब जो हमको मिलेगा वो ड्राई वेट मिलेगा, और वो ड्राई वेट में क्या होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट होंगे प्लांट के और मिनरल्स होंगे। ठीक है, फिर इसको हम एक स्पेशल फर्नेस होती है, मफल फर्नेस, उसमें रखते हैं लगभग 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसके बाद में जो आपको मिलता है वो पौधे की राख मिलती है। ठीक है, अब ये जो राख है, जब हमने मफल फर्नेस में रखा तो जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो सब जल जाता है, और जो राख आपको मिलती है उसमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं खाली। ठीक है, तो ये मिनरल कंटेंट होता है। अब ये जो मिनरल कंटेंट है ये आपको सिर्फ ये बताता है कि पौधे में ये मिनरल्स थे। आप जब पौधा जल से, मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स, तो वो सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब नहीं करता कि भाई मुझे कैल्शियम चाहिए मैं कैल्शियम ले लूँ, मुझे कॉपर नहीं चाहिए मैं कॉपर नहीं लूँ, निकल नहीं चाहिए निकल नहीं लूँ। जो भी मिनरल्स होते हैं वो सारे मिनरल्स वो एब्जॉर्ब करता है प्लांट। इसका मतलब क्या है, अगर आप प्लांट का सॉइल एनालिसिस करते हैं तो कभी भी आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि इस ऐश में जो मिनरल्स हैं वो उसके लिए ज़रूरी थे या नहीं थे प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो ऐश एनालिसिस क्या बताता है, सिर्फ कंटेंट बताता है उस मिनरल की, उन मिनरल्स की उसको प्लांट को आवश्यकता है या नहीं है वो हमें नहीं पता चलता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
उसके लिए हम दो तरीके के इस्तेमाल कर सकते हैं मेथड्स, एक होता है सैंड कल्चर और एक होता है हाइड्रोपोनिक या एक्वाटिक कल्चर। सैंड कल्चर एक तरह से कहा जाए जैसे हम गमले में पौधे उगाते हैं उसी तरह से हैं, बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो आप ऑर्डिनरी पौधा गमले में उगाते हैं उसमें आप ये ध्यान नहीं रखते हैं कि जो मिट्टी है वो स्टराइल होनी चाहिए। तो यहाँ पे या तो हम रेत लेते हैं जो बारीक रेत होती है, जैसे जैसलमेर के टीले हैं वहाँ पर जो रेत है वो स्टराइल होती है, पर उसको भी हमको एक बार स्टरलाइज करना पड़ता है, या सिलिका ले सकते हैं, या बजरी जो होती है जो कोर्स सैंड होता है वो ले सकते हैं। इसके अलावा हम आजकल क्वार्ट्ज भी इस्तेमाल करते हैं, वर्मीकुलेट भी इस्तेमाल करते हैं, ये स्टराइल मटेरियल्स हैं। तो अगर हम रेत लेते हैं तो उसको अच्छे से पहले साफ़ कर लेते हैं, जनरली मिट्टी में अल्कलाइन सॉल्ट्स होते हैं तो उसको हटाने के लिए वीक एसिड से उसको वॉश किया जाता है, उसके बाद में रिपीटेडली पानी से वॉश करते हैं ताकि जितना भी एसिड का थोड़ा सा ट्रेसेस है वो उसमें से निकल जाए, मतलब उसमें कोई भी सॉल्ट या एसिड या अल्कलाइन कोई आयन नहीं होना चाहिए जिसको आप यूज़ करते हैं। इसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हो सकते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हटाने के लिए, सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए 15 पाउंड के प्रेशर पर उसको स्टीम किया जाता है रेत को, और फिर उसको ड्राई करते हैं। इसके बाद में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इतने टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, इतने हाई प्रेशर पर जितने भी ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, अब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको हम रखते हैं गमलों के अंदर, ऐसे गमले होने चाहिए जिनकी की दीवार से मिनरल्स रिलीज ना होते हों। फॉर एग्जांपल पोर्सिलिन ले सकते हैं हम, ग्लास भी ले सकते हैं, या मिट्टी भी अगर होती तो उसको हम अंदर कोटिंग कर देते हैं विटामिन से, तो कि कोई मिनरल्स जो है उसमें रिलीज ना हो। ठीक है, अब इसके अंदर आप जो गमला होता है, गमले में आप देखते हैं हमेशा गमले के अंदर नीचे एक छेद होता है ताकि पानी जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए, लेकिन हमको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, तो हम उसको क्या करते हैं ग्लास वूल से कवर कर देते हैं ताकि पानी उसमें से नहीं निकले। अब हम क्या करते हैं, हमको पता है कि मान लीजिए ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये 10 सॉल्ट्स हैं ये पौधे को चाहिए, तो हम उन 10 सॉल्ट का एक अपने हिसाब से मिक्सचर बना करके उसका विलयन बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं, और वो हम मिट्टी में पौधा लगा करके या उगा करके, सीड उगा करके उसके साथ में हम डेफिनेट अमाउंट में रोज़ थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन उसमें डालते हैं। ठीक है, अब एक दो तरह के प्लांट्स होते हैं इसमें, एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है हमारा जिसके अंदर कि हम सारे सॉल्ट्स डालते हैं, और दूसरा हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट देखनी है कि मैग्नीशियम पौधे को चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, एक सॉल्यूशन बनाऊँगी जिसमें सारे सॉल्ट्स हैं और दूसरा सॉल्यूशन बनाऊँगी जिसमें मैग्नीशियम नहीं है, बाकी सारे सॉल्ट्स हैं। तो अब क्या हुआ, वो जो सॉल्यूशन है एक्सपेरिमेंटल प्लांट का वो मैग्नीशियम के लिए उसकी कमी हो गई, पौधे को मैग्नीशियम नहीं मिलेगा तो उसके कुछ ना कुछ लक्षण आएंगे, तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स या डेफिशिएंसी सिम्टम्स, या हिंदी में न्यूनता लक्षण, मतलब मैग्नीशियम की न्यूनता के कारण से क्या लक्षण पौधे में दिखते हैं वो हम नोट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, क्योंकि हम जानते हैं क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम अगर प्लांट को नहीं मिल रहा है इसका मतलब प्लांट जो है वो क्लोरोफिल नहीं बना पाएगा, तो क्या होगा, उसकी पत्तियाँ पीली होंगी, तो येलोइंग ऑफ लीव्स या पत्तियों का पीला पड़ना ये लक्षण होगा, और ये हमें बताएगा कि संभवतः मैग्नीशियम जो है वो किसके लिए चाहिए, प्लांट को हरा रखने के लिए चाहिए। अब इसमें दिक्कत क्या है, पहली दिक्कत तो ये कि मिट्टी में जो है सॉल्ट बहुत, पानी जो है वो बहुत कम मात्रा में, पूरा बड़ा गमला लेंगे तो मुश्किल से हार्डली एक मग्गा पानी आप उसमें डाल सकते हैं, तो पानी की कम ज़रूरत, कम होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए पानी आपको बार बार देना पड़ता है। दूसरा रेत जो है, क्योंकि रेत का टेंडेंसी है जब गर्मी होगी तो आप देखें रेत बहुत गर्म हो जाती है, सर्दी होगी तो रेत बहुत ठंडा हो जाएगा, तो नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में गर्मी में रेत बहुत गर्म हो जाएगा, सर्दी में बहुत ठंडा हो जाएगा, तो वो प्लांट को एक्चुअल टेम्परेचर नहीं देगा, रूट्स को अलग टेम्परेचर मिलेगा, ऊपर वाले प्लांट को अलग मिलेगा, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, और ये दो बेसिकली चीज़ें हैं जो कि दिक्कत करती हैं। तो इसको हटाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने सॉल्यूशन में एक्सपेरिमेंट करने का देखा, सैक्स ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, नॉप ने किया, इसके बाद में बहुत से लोगों ने किए एक्सपेरिमेंट्स, उसमें वो क्या करते हैं बजाय मिट्टी लेने के वो पानी ही लेते हैं, स्टराइल वाटर, उसमें सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्ट्स डालते हैं, और एक बात ध्यान रखनी पड़ती है क्योंकि पानी में जब आप इतने मिनरल्स डालेंगे तो नेचुरली न्यूट्रिटिव है तो एल्गी ग्रो कर सकती है, तो वो शैवाल को ग्रो करने से रोकने के लिए जो उसका बॉटल होता है उसको हम ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं, या हम डार्क बॉटल ले सकते हैं। ठीक है,
अब इसमें कंट्रोल प्लांट में सारे सॉल्ट्स डाले जाते हैं एक्सपेरिमेंट में, वही जैसे पहले मिट्टी वाले में किया था, सॉल्यूशन में एक मिनरल आप कम कर देंगे और उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम बताएंगे कि भाई ये कमी है इसलिए इस मिनरल का ये इम्पॉर्टेंट रोल है। अब एक आती है आजकल बहुत, अगर आप कहीं यूट्यूब पे देखें या कहीं देखें तो हाइड्रोपोनिक्स बड़ा आ रहा है नाम। और हाइड्रोपोनिक्स क्या है? अब पहले तो लोगों ने एक्सपेरिमेंटल लेवल पर इसको किया था, लेकिन आजकल कमर्शियल लेवल पर बहुत सी कंपनीज इसको कर रही हैं। वो बोलते हैं मिट्टी वगैरह नहीं करना पड़ेगा, सॉल्यूशन को हम रिसाइकल कर सकते हैं, आजकल बहुत सारे टेक्निक्स ऐसे आ गए। तो ये है कमर्शियली हम पौधों को जलीय विलयन में उगाते हैं और वो फ्लो करता रहता है और उधर से बाहर निकाल करके कितनी कमी है वापस से उसकी कंपोजिशन को नॉर्मल करके वापस से उसको रिसर्कुलेट कर देते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स में हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है? पहली बात तो ये है कि हर एक प्लांट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है पीएच की, तो वो पीएच हमको मेंटेन करना पड़ता है। प्रॉपरली एरेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी में एरेशन नहीं होगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी रूट्स को, तो वो प्रॉपर मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे चाहे कितना भी मिनरल्स उसमें हो, ठीक है ना? क्योंकि एब्जॉर्प्शन के लिए एक्टिव होनी चाहिए रूट, और एक्टिव होने के लिए उसमें रेस्पिरेशन होना चाहिए, तो उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन आपको मेंटेन करना पड़ता है, वो ज़रूरी है। मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होने चाहिए, अबंडेंस में होने चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए मिनरल्स की। प्लांट को जितना चाहिए उतना उसको मिलना ही चाहिए, ठीक है? नहीं तो आप उसको जज नहीं कर पाएंगे। रेगुलरली आपको सॉल्यूशन को रिप्लेस करते रहना चाहिए, क्योंकि जब प्लांट यूज़ कर लेंगे तो किसी पर्टिकुलर मिनरल की उसमें कमी हो जाएगी, कोई पर्टिकुलर मिनरल ज़्यादा हो जाएगा, तो यू हैव टू बैलेंस इट अगेन। तो पूरा सॉल्यूशन निकाल करके दूसरा सॉल्यूशन से उसको रिप्लेस करना पड़ता है। फिर क्योंकि मिट्टी में तो रूट्स पकड़ लेती हैं मिट्टी को, तो खड़ा रहता है पौधा, तो एक्वाटिक प्लांट्स में क्या करेंगे? तो उसके लिए प्रॉपर एक सपोर्ट होना चाहिए ताकि वो पौधा जो है वो अपराइट रह सके, सीधा रह सके, ठीक है? इसके अलावा बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए हमको रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल लाइट जो है, जो रिक्वायरमेंट लाइट की है वो उसको मिलनी चाहिए प्रॉपर। सर्दी का पौधा है तो सर्दी वाला टेम्परेचर मिलना चाहिए, सर्दी वाली लाइट का रेंज मिलना चाहिए, गर्मी वाला पौधा है तो उस तरह से मिलना चाहिए। तो मिनरल्स के अलावा जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल ऑप्टिमम होनी चाहिए, है ना? तभी, क्योंकि नहीं तो उनका नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा, तो हम फिर प्रॉपर हमारा जो जजमेंट होगा वो सही नहीं होगा, वो गलत हो सकता है, तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है? कुछ सॉल्यूशंस बनाए हैं लोगों ने, सैक सॉल्यूशन है, नॉब सॉल्यूशन है, आर्नल होगलैंड सॉल्यूशन है, ये सब अभी आजकल बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारी कंपनीज हैं, कमर्शियल कंपनीज, अगर आप गूगल करके देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स के लिए तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं और उनको प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है? कंपैरेटिवली मिट्टी के कंपैरिजन में यहाँ पर न्यूट्रिएंट को आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो, टॉक्सिक मटेरियल का अकुमुलेशन नहीं होता, क्योंकि पानी बहता रह रहा है तो जो पानी अभी है वो चला जाएगा आगे, फिर आप उसको रिप्लेस कर देंगे, तो क्योंकि इकट्ठा नहीं हो रहा तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। मिट्टी में क्या होता है, मिनरल्स में जो होते हैं उनको कई बार सॉइल पार्टिकल्स में, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो मिनरल्स को पकड़ लेते हैं तो ट्रैप हो जाते हैं, और वो जो मिनरल्स होते हैं वो प्लांट को अवेलेबल नहीं होते, तो इस तरह की ट्रैपिंग जो है वो इसमें संभावना इसकी कम है। तो सारे मिनरल्स जो भी होंगे वो अवेलेबल होंगे, आपको खरपतवार नहीं निकालने की ज़रूरत है, आपको गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि आप उसको एरेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वातन प्रोवाइड कर रहे हैं पानी में, बबलिंग कर रहे हैं उसके अंदर, तो रूट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है, ये एक एडवांटेज है, ठीक है? सो ऑल टू डे फॉर टुडे।